आपा, ओ आपा, आपा है क्या? अरे कौन हो तुम अंधे मेरे घर में कैसा घुसा? कोई आता बोल दिया है क्या नहीं दीपू? मट्टी पड़ा निकल यहाँ से। अरे आपा, मैं तो तुम्हारे फायदे के वास्ते आया। मेरे को शौक नहीं लोगों के घर में घुसने का। पहले मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुनो, बाद में बोलो, गाले दो, मारने का तो मारो, कुछ भी करो। कोई लाज शर्म है क्या नहीं दीपू? मट्टी पड़ो दीवाने आदमी, तेरा सत्यानाश हो, तेरा खीमा हो, तो थैले में भर के लाओ, तुझे कफन भी नसीब ना हो, कमीने आदमी हो, सीधे घर में घुस रहा है, मेरे फायदे के वास्ते निकल यहाँ से। अरे आपा, मैं बचत करता मैं नहीं जा रहा हूँ, एक स्कीम लाया हूँ, जिससे तुमको 50,000 रुपए मिलते, होना तो बोलो, नहीं तो दूसरा बहुत औरता है मेरे पास। बचत करते हो क्या? आपा, ओ आपा, आपा है क्या? अरे कौन हो तुम अंधे मेरे घर में कैसा घुसा? कोई आता बोल दिया है क्या नहीं दीपू? मट्टी पड़ा निकल यहाँ से। अरे आपा, मैं तो तुम्हारे फायदे के वास्ते आया। मेरे को शौक नहीं लोगों के घर में घुसने का। पहले मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुनो, बाद में बोलो, गाले दो, मारने का तो मारो, कुछ भी करो। कोई लाज शर्म है क्या नहीं दीपू? मट्टी पड़ो दीवाने आदमी, तेरा सत्यानाश हो, तेरा खीमा हो, तो थैले में भर के लाओ, तुझे कफन भी नसीब ना हो, कमीने आदमी हो, सीधे घर में घुस रहा है, मेरे फायदे के वास्ते निकल यहाँ से। अरे आपा, मैं बचत करता मैं नहीं जा रहा हूँ, एक स्कीम लाया हूँ, जिससे तुमको 50,000 रुपए मिलते, होना तो बोलो, नहीं तो दूसरा बहुत औरता है मेरे पास। बचत करते हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। तुम्हारा घर वाला क्या करता है? ऑटो रिक्शा चलाता है। कहाँ रहते हैं तुम जन्ना बाबा? गांधीनगर। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का और एक लड़की। देखो जन्ना बाबा, मेरे पास बचत गट की एक स्कीम है, अगर तुम 10 औरतें जमा करती है तो हम तुमको ही बॉस बनाते हैं, उससे तुम्हारा भी फायदा होगा और पूरी जो भी रकम जमा होगी उसमें से 5% ब्याज तुम्हारा और 10% ब्याज मेरा रहेगा। क्या लेते तुम बैठे बिठाए? और बाद में तुमको जो भी मिलेगा उसकी सब कंडीशन बताता हूँ, तुम बस हमको 10 औरतें जमा करो, मैं मंगल के दिन आता हूँ। अरे भैया, ऐसे कैसे जाने दी? चाय लेकर आती हूँ, चाय पीकर जाओ। ठीक है ठीक है। घर में कोई नहीं है क्या? बच्चे स्कूल तो गए, मर्द काम धंधे पर गया है। घर खुद का है क्या? हाँ खुद का है। कितनी बहनें हो तुम? हम 4 बहनें हैं। लो मेरा फोन नंबर रखो, तुम दोबारा मिलो, कभी भी फोन करना, मैं हाजिर हो जाता। व्हाट्सएप चलाना आता है? नहीं आता। अब कैसा करेंगे फिर? पैसे का मामला, मैं मेरे बेटे से सीख लूंगी। मैं कुछ वीडियो भेजा करूंगा, तुम भी भेजा करो। अरे भैया जरा तुम हमको माफ कर दो, तुम हमारे फायदे के वास्ते आए थे और मैं तुमको कोस रही थी। माफी ये सब रहने दो, होता रहता है, अब तो तुमसे हमेशा मुलाकात होती रहेगी, तुम बस हमको 10 औरतें जमा कर कर गड़बड़ा कर दो। चलो मैं मंगल के दिन आता हूँ। सलाम अलैकुम मुन्नी नूजा जंजला। तू यहाँ पे देख, मेरे पास एक मैनेजर आया था, वो बता रहा था बचत गट के बारे में, हफ्ते में 500 रुपए भरना पड़ेगा, उसके बाद 50,000 रुपए, 1 लाख, 5 लाख कितने पैसे मिलते रहेंगे। इस जमाने में कौन दे रहा अपने कितने पैसे? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो हम सब चलते हैं, कहाँ चलना है? कल मेरा मर्द काम धंधे पर गए बाद मेरे घर पर आओ।
चलो नगे, शबनम वहां पर बोली थी ना कल, चलो। शबनम आपा, ओ शबनम आपा, अरे आओ यहाँ पे बैठो। रुको मैनेजर को फोन लगाती। मैनेजर साहब मैंने 10 अवतार जमा करी, मेरे घर पर आओ। आपा है क्या आपा? अरे आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है तुम्हारा बोलो तो। मेरा नाम बुंदी खाला है। मेरा नाम मुर्जा खाला है। मेरा नाम गजल आपा है। मेरा नाम राजू है और मैं बचत गट का मैनेजर हूँ। तुम्हारे गांधी नगर, तेलगांव नाका, इस्लामपुरा, मोमिनपुरा, बारसी नाका और बालेबिल, उसके अलावा पूरे जिले में स्कीम चलाता हूँ। हमारे पास अलग अलग स्कीम है, सबसे आसान और सहूलत वाली घट स्कीम है कि आप लोग हर हफ्ते 500 रुपए भरना। अगर 1 साल तक पाबंदी से हफ्ता भरते हैं तो तुम्हारे को हमारी तरफ से 30,000 रुपए का लोन मिलेगा। आप 1,000 रुपए के हफ्ते से फेर सकते। उसके अलावा सिलाई मशीन लोन, 7 क्लास लोन में भी देते हैं। अगर आप 30,000 रुपए लेते तो उसके आपको सिर्फ 5 हफ्ते ज्यादा भरना होते है। यानी 30,000 रुपए लेते तो 30,000 रुपए लेते तो 5,000 रुपए ब्याज। आज के जमाने में किसी को 50 रुपए उधार मांगो वो नहीं देता। तुम्हारा दूल्हा तो रोज कमा कर 400-500 तो लाता ही होगा, उसमें से 100 रुपए निकाल लेना। तुम्हारे फायदे के वास्ते घट से तुमको बहुत फायदा है। अगर किसी की शादी हो तो पैसे उधार लेना पड़ते, हल्दी हो तो पैसे उधार लेना पड़ते। शादी और हल्दी में तो पैसे लगते ही ना, तो तुम्हारे वास्ते मैं हाजिर हूँ। तुम तो बोलोगे मैं आ जाता अगर मुझे कुछ काम रहा तो, तुम आ जाना। अगर तुम 10 अवतार तैयार हो तो मंगल की सुबह मेरे घर पर आ जाना, वहाँ सबका बॉस आने वाला है। 2 फोटो, आधार कार्ड की जॉक्स, जितने औरतें रहेंगे सबका एक ही ग्रुप रहेगा। सब औरतें हर हफ्ते 500 रुपए भरेंगे। अगर कोई औरत लेट होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे 10 औरतों पर रहेंगी। हमारे कुछ उसूल बहुत सख्त है लेकिन तुम्हारे फायदे के वास्ते। बोलो कौन कौन तैयार है? अरे खाला तुम क्यों हाथ नहीं उठा रहे? अरे मैं हर काम मेरे मरद को पूछ के करती। अरे तुम्हारे औरता किधर से हाथ उठा रहे के भाई? जहाँ आता उठा देगा वहाँ तो उठा से नहीं, जब आता मैं जाने का बोले तीन घंटे उठते। मेरा मरद मुझे कुछ चीज की कमी नहीं करता, कपड़े लगते जो भी लगते सब पूरा था। तुम्हारे धर्म में तो ये सब चलता हुआ है लेकिन हमारे वक्त सब हराम है। ब्याज बचत कर दोनों हराम है। बड़े लोग बोलते हैं रोटी के सूखे टुकड़े भिगो कर खाने की नौबत आई तब भी ब्याज ना लेना। अब तुम्हारे धर्म में सब चलता हुआ है, हमारे वक्त हराम है। कल को तू सब अपने घर में घुसा जा रहे बोलते है, अगर मेरे घर में घुसा तो आज मेरा जनाजा निकालती थी। चल निकल यहाँ से, हमारे फायदे के वास्ते आया। अरे कुछ भी कैसे वादा कर रहे खाला, मैं तो तुम्हारे फायदे के वास्ते आया यहाँ पे। अरे मुन्नी खाला तुझे क्या मालूम घट स्कीम के बारे में? हम भी 4 पैसे कमा लेते हैं घर बैठे बैठे। और नहीं तो क्या, ये हराम हराम लगा बैठी जैसे सब चीज का इंटरेस्ट पास है। अगे मैंने मेरे तरफ से खुद में बोली है भाई, तो इस्लाम में इसका हुकुम है रोज बोली। शायद मालूम बात हो ना, हमारे इलाके का एक मुफ्ती है, रुक मैं उसको बुलाती। अब मैं बेटी मुफ्ती साहब को बुला के लाऊं। मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब, तुम्हारे गुनाह मेरे दादी बुला रही। सलामुअलैकुम खाला जी, क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? वालेकुम सलाम बेटा, चुप चुप क्यों? अरे बेटा भाका वाला है दीवाने आपका तू? अच्छा हुआ खाला जी आपने मुझे बुलाया। वो बचत गढ़ सूद व ब्याज की एक शक्ल है, इसके साथ साथ बेपर्दगी, नामहरम से बात, आपस में चैटिंग, यहाँ तक के इज्जत की भी धज्जियाँ उड़ाई जाती है। बचत गढ़ का मैनेजर जो होता है वो आप सभी के लिए नामहरम है। कई ऐसे वाकयात पेश आए हैं, ऐसे बचत गढ़ के लोग खवातीन को बुलाकर उनकी इज्जत लूट रहे हैं, उनके घर जाना पड़ता है। मुसलमान औरतें अपनी इज्जत को कुर्बान कर रही है, जिन्हें मुसलमान होने के नाते इसे तौबा कर लेनी चाहिए। सोचिए एक चीज को अल्लाह ताला जैसे हकीम वसीर जात खुद हराम करार दे रही है। सूद कबीरा गुनाहों में से एक कबीरा गुनाह है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान-ए-जंग है।
दूध खाना अपनी माँ से जिना करने के बराबर गुनाह है। इंसान के जहन्नम में जाने का सबब अल्लाह के रहमत से दूरी का जरिया है। ईमान वालो, वाकई तुम सच्चे पक्के मोमिन हो तो अल्लाह से डरो और सूदी मामलात को छोड़ दो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया यानी सूदी मामलात को ना छोड़ा तो अल्लाह के रसूल से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सूद लेना देना यहाँ तक कि इसको लिखने वाला और इस पर गवाह बनने वाला भी उस पर लानत फरमाई है। इसलिए मेरी पूरी उम्मत से दरख्वास्त है कि जो सूदी मामलात में शरीक है वो उसे छोड़ दे और अल्लाह से तौबा कर ले। अल्लाह यकीनन तौबा कबूल करने वाला है। सुरेना क्या बोले मुफ्ती साहब ने, तो हम मुफ्ती साहब के नंबर लेके मुफ्ती साहब को परेशान करेंगे। आज से हम सब औरता तौबा तौबा करते हैं कि बचत घर कभी भी नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह।